अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में मौजूद डिफरेंसेस को सो फर्स्ट डिफरेंस इज राइट द डिफरेंस बिटवीन द एंड द चैनल बेसिन वो डिप्रेशन होता है या वो डिप होते हैं जिसके अंदर जो होता है वो वाटर स्टोर हो जाता है जिनमें हम लेक्स और पोइंट्स कहते हैं फिर इसके बाद जो होता है वो चैनल होते हैं उनमें जो होता है वो एक प्रॉपर एक पैसेज ऑफ वाटर और उसमें आपके स्ट्रीम्स रिवर आ जाते हैं अम्यूनिफिकेशन एंड्रिफिकेशन अम्यूनिफिकेशन जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड को हम अम्यूनिफिकेशन भी कहते हैं इसको हम लोग डीकम्पोजिशन भी कह रहे होते हैं डी नाइट्रिफिकेशन ये होता है कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल उसे हम लोग डी नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन की कन्वर्जन है इंटू अमोनिया अगर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रही है जैसे बैक्टेरियास के थ्रू

जैसे दुनिया में जो पहली जगह पे पहला जो प्लांट ग्रो किया था वो प्राइमरी सक्सेशन थी और सेकेंडरी सक्सेशन ये होते हैं कि जब किसी जगह पे ग्रो कर रहे हो कोई नेचुरल डिजास्टर से वो जगह डिस्ट्रॉय हो गई है और उसके बाद दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो उसे हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं देन वी हैव हाइड्रोजियर एंड जीरो सेयर हाइड्रो जो है अगेन वाटर की इकोलॉजिकल सक्सेशन है जीरो सेयर जो है वो आपकी रॉक से डेजर्ट की है जीरोक्स एंड हाइड्रैक्स सक्सेशन फिर उसके बाद जो है वो आपकी सक्सेशन जो कि पॉइंट या लेक्स में हो रही है वो हाइड्रैक्स सक्सेशन है फिर ज़ीरो सेयर जो है वो आपकी जो है वो रॉक्स या डेजर्ट एरिया में हो रही है रीनबल एंड नॉन रीनबल ऐसे रिसोर्स जो कि वापस आ सकें उनका हम लोग रीन्यूएबल कहते हैं इनमें आपके वाटर रिसोर्स होते हैं नॉन रीनीबल का मतलब ये है कि एक दफ़ा अगर इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा से वो क्रिएट नहीं हो सकते जैसे फॉजफ्यूल्स हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो कि पुराने वक्तों से यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम कन्वेंशनल कहते हैं इनमें फॉसिल फ्यूज़ और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो आजकल यूज़ हो रहे एक न्यू मेथड से एनर्जी क्रिएट करना जैसे सोलर पावर टाइडल पावर विंड पावर वो न्यू मैथड्स हैं तो इनको हम लोग जो है वो नॉन कन्वेंशनल जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं फॉसिल फ्यूज़ वी ऑल नो के जो फॉसिल रिमेंस थे और प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उनके जो फ्यूल्स उनसे फ्यूल्स क्रिएट होता है उनका हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं और न्यूक्लियर फ्यूल्स वो हैं जिनमें आपका यूरेनियम से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके साथ ही हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हुए इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन दी लॉन्ग क्वेश्चन